بسم الله الرحمن الرحيم. دار السلام ماسك تونكلي بارك درايف تورنتو كندا. Tuesday after 17th Taraweeh, 12th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله. क्या लगा है? कितने लगाऊंगा फिर? मैं तो बुझे खुश बन जाऊंगा फिर. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. पहले पिछले सालों में हमारे एक समीउल्लाह भाई आते थे, उनका सिर्फ लगाता था. क्यों? वो रिश्वत देते थे. वो रिश्वत ये देते थे कि मुझे पूरे रमजान की तकरीरों का सेट तैयार करके देते थे, मैं ले जाता था. तो वो तो इस रिश्वत की वजह से लगाता था. एक दूसरे साहब देने लगे थे, उनसे भी मैंने कहा रिश्वत मांगूंगा, वो रमजान के आखिर में लाओ तकरीरों का पूरा सेट लो. अब ये दूसरे साहब दे रहे, इनसे क्या मांगूंगा? और सारे ऐसा देने लगेंगे तो फिर तो मैं तो कैसा हो जाऊंगा, वो जो एडमिरल होता है फौज में, इधर तमका इधर तमका इधर तमका इधर तमका, तमगे ही तमगे हो जाए. सुभान अल्लाह. बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ने इंसान को दो चीजें दी और दोनों बड़ी ही कीमती नेमतें, जान और माल. अल्लाह ने ये दो चीजें इंसान को दी हैं, जान और माल, और ये दोनों ही बड़ी कीमती चीजें हैं. और दोनों में चोली दामन का साथ, जान और माल में चोली दामन का साथ. चोली दामन ये उर्दू का मुहावरा है और इतना पुराना हो गया है कि अब उर्दू वाले भी नहीं समझते होंगे. मतलब तो समझते होंगे, चोली दामन का साथ जब मुहावरा बोलते हैं तो मुहावरे में क्या माना होते हैं वो तो समझते हैं, मगर ये चोली क्या है और दामन क्या है इसे वो भी नहीं समझते. इसलिए इसे समझो, हमारे कुर्ता जो पहनते हैं तो ये सीने का हिस्सा है, फिर ये जहां पट्टी खत्म होती है उससे नीचे का जो हिस्सा है ये चोली है, फिर उससे नीचे का आखिर तक का ये दामन है.
पहले ये दो चीजें अलग हो ही नहीं सकती। जब कुर्ता होगा तो चोली और फिर दामन, मगर अब ये ऐसा अजीब जमाना आ गया है कि दोनों अलग हो गए। ये जो शर्ट पहनते हैं लोग उसमें दामन नहीं होता, चोली होती। वो पतलून के अंदर जो घुसाते हैं, क्या कहते हैं, शटी तो कहते हैं उसे। वो जो कुर्ता आप हजरात का जो पतलून के अंदर घुसाते हैं उसमें सिर्फ चोली होती, उसमें दामन नहीं होता। बस जहां तक वो कुर्ता जहां तक है बस वो चोली तक है, उसके नीचे जो दामन वो दामन काट दिए। और ये जो हमारा इस्लामी कुर्ता है, इसलिए जो शरीयत के मुताबिक कुर्ता है, उसमें पहले चोली होगी और फिर चोली के बाद नीचे दामन होगा। साहिब ने, लाड साहब ने, लाड साहब ने वो दामन काट दिए। क्यों? उनका दामन दागदार हो गया था, और इतना दागदार हो गया था कि उन्होंने कहा काट के फेंको कमबख्तों को डस्टबिन में। दामन दागदार होना एक मुहावरा है कि नहीं? तो लाड साहब का दामन इतना दागदार हो गया कि धोने से भी वो साफ होने का नहीं था। तो उन्होंने काट के उसे डस्टबिन में डाला और कहा हमारा कुर्ता जो है सिर्फ चोली तक का, दामन है ही नहीं उसमें। फिर दूसरों ने कहा कि साहिब जो करेंगे वो आइडियल, वेरी गुड, लिहाजा हम भी वही करेंगे। ये जो बाल लोग यहां तक मुछें रखते हैं, इतना काट देंगे, इतना काट देंगे, बीच में रखेंगे इतनी, ये कहां से शुरू हुई मालूम आपको? हैं? नहीं, ये हिंदुस्तान में एक वायसराय आया था, उसका होंठ इत्तेफाक से इधर कटा हुआ था किसी वजह से, तो उसने बैलेंस करने के लिए यहां से भी इतनी मूछें काट डाली। तो हिंदुस्तान के पागलों ने इंडिया ना वोट, कहते ना इंडिया ना वोट, ये गुजराती लफ्ज है, हिंदुस्तान के पागलों ने समझा कि साहिब की मूछें ऐसी है, ये फैशन है, ये कोई आइडियल है, वो वहीं से वो चल पड़ी। तो भेड़ चाल ऐसे ही चलती, पहला जाकर खड्डे में गिरा तो बाकी सब खड्डे में गिरेंगे। तो ये साहिब ने कुर्ते का दामन काट दिया, सिर्फ चोली रखी, लोग भी उसके पीछे पड़ गए कि ये कोई तहजीब है। हालांकि क्या खास तहजीब है, जब आप वो शर्ट पहनेंगे तो आगे भी नंगा है पीछे भी नंगा है, और सजदे में जाइए कैसा भूंडा मालूम होता है, उस कुर्ते को पहन के सजदे में जाइए कैसा भूंडा मालूम होता है, आगे भी नंगा है और पीछे भी नंगा है, और कहते हैं यानी बड़े फैशन है। तो मैं तो असल मजमून ये समझा रहा था, ये लफ्ज दो समझा रहा था, चोली और दामन। पुराने जमाने में ये तस्वूर ही नहीं था कि ये दो अलग हो सकते, ये तो जहां हो गए दो साथ होंगे। दामन नीचे का वो तो चोली के बगैर होता ही नहीं, वो तो चोली के साथ जॉइंट होता है, और चोली दामन के बगैर नहीं हो सकती। तो वहां से मुहावरा था कि चोली दामन का साथ। तो जान और माल इनके दरमियान में चोली दामन का साथ है, न ये इससे अलग हो सकता है, न ये इससे अलग हो सकता है। मिसाल से समझो, एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसका तरका उसके ओरसा के लिए, उसकी बीवी हामिला है, क्या पैदा होगा, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, अल्लाह जाने। लिहाजा लड़के का हिस्सा महफूज रखेंगे, बाकी वरसा में तकसीम कर देंगे। और वो जो हमल पैदा होना है, या तो लड़की होगी या लड़का होगा, लड़की होगी कम मिलेगा, लड़का होगा ज्यादा मिलेगा। लिहाजा एक लड़के का हिस्सा महफूज रखेंगे और बकिया सबको बांट देंगे। अब दो सूरतें हैं, एक सूरत तो यह है कि वो पेट का बच्चा मरा हुआ पैदा हो, और एक एक जिंदा पैदा हुआ, जिंदा पैदा हुआ तो लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई। अगर मरा हुआ पैदा हुआ तो उसका कुछ नहीं, ये जो तरका एक लड़के का बचाया था ये दूसरे सब वरसा को उनके हिस्सा रसे तकसीम कर दी। और अगर जिंदा पैदा हुआ लड़का पैदा हुआ तो लड़के का हिस्सा रखा है वो उस बच्चे को दे दिया जाएगा, लड़की पैदा हुई तो लड़की का हिस्सा ले देंगे और बाकी जाहिर दूसरे सब वरसा में तकसीम कर देंगे। ये मसला है, इस मसले में समझने की बात यह है कि वो जिंदा दुनिया में आएगा तो माल मिलेगा, और जिंदा नहीं आएगा तो माल नहीं मिलेगा, क्योंकि जान और माल में चोली दामन का साथ, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं,
जान नहीं है तो माल भी नहीं। दूसरी मिसाल समझो, आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, और जहां आंख बंद हुई अब उसका कोई माल नहीं, अब उसका कोई माल नहीं, अब जो उसका जो कुछ था वो उसके वरसा का हो गया ऑटोमेटिकली, कि उसे बांटेंगे देंगे तब वो वरसा मालिक बनेंगे, नहीं, उसकी आंख बंद होते ही रूह निकलते ही जो कुछ है जिस वारिस का है जितना है ऑटोमेटिकली वो उसका मालिक हो गया। और एक बेटा कब्जा करके बैठा है तो बाप का माल कब्जा करके नहीं बैठा, दूसरे वारिसों का माल कब्जा करके बैठा है। लड़के कब्जा करके बैठे हैं बहनों का हिस्सा तो बाप का माल कब्जा करके लड़के नहीं बैठे, बहनों की मिल्कियत कब्जा करके बैठे हैं, डाकू बनकर बैठे हैं। मैयत, मैयत की तो आंख बंद होते ही माल उसका गया, क्योंकि माल और जान में चोली दामन का साथ है। जान थी तब तक मेरा माल था, जान निकली माल खत्म। ये दो मिसालें हैं, एक इधर की मिसाल है एक इधर की मिसाल है, ये समझने के लिए कि जान और माल ये दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं, इनमें चोली दामन का साथ है, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं इस दुनिया में, इनसे बड़ी कोई नेमत नहीं। यानी इंसान के अंदर, इंसान से तो बाहर तो है, इंसान से बाहर तो इनसे बड़ी नेमतें भी हैं, उनसे बड़ी नेमतें हैं कुरान है, अल्लाह के रसूल हैं, दीन है, इंसान के अंदर और कोई बड़ी नेमत नहीं। इंसान के अंदर और क्या है, इंसान के अंदर आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, ये भी नेमतें, लेकिन ये नेमतें वो दो बड़ी नेमतें वो हैं जान और माल, ये दो बड़ी नेमतें, और बकिया जो इंसान के अंदर है वो दूसरे दर्जे की नेमत है। इसलिए अल्लाह ने तमाम शरीयतों में जो इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं वो इन्हीं दो से ताल्लुक रखती हैं, या तो जान से ताल्लुक रखती हैं या माल से ताल्लुक रखती हैं, दो ही तरह की इबादतें मुकर्रर फरमाई हैं। कुछ इबादतें बदनी महज हैं, बदनी महज यानी उसमें सिर्फ जिस्म इस्तेमाल होता है, कैसा नहीं इस्तेमाल होता है। ये जो बदनी महज हैं जैसे नमाज रोजा, ये बदनी महज है, ये जान से ताल्लुक रखती है। और दूसरी इबादत वो है जो माल से मुताल्लिक है, उसमें बदन नहीं इस्तेमाल होता, माल से मुताल्लिक है, जैसे जकात और सदके फित्र, ये माल से मुताल्लिक इबादत है इंसान की, बदन उसमें इस्तेमाल नहीं होता। और बाज इबादतें हैं जिसमें दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे हज, हज में दोनों चीजें इस्तेमाल होती है, खुद भी जाना पड़ता है, खुद अफाल भी करने पड़ते हैं, आमाल भी करने पड़ते हैं, पैसा भी खर्च करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो हज मुरक्कब इबादत है जान और माल से, और नमाज और रोजा ये सिर्फ जान के साथ ताल्लुक रखती है, बदनी इबादतें हैं, और जकात और सदके फित्र वगैरह ये माली इबादतें। इंसान की कामयाबी इन दोनों इबादतों को अच्छी तरह से खूब एहतमाम के साथ ये दोनों इबादतें बजा लाने में इंसान की कामयाबी है। अगर सिर्फ जानी इबादतें वो करेगा, बदनी इबादतें करेगा, माली इबादतें नहीं अदा करेगा, निजात नहीं है। और सिर्फ माली इबादतें करेगा, बदनी नहीं करेगा, निजात नहीं है। देखो नजात दो हैं, उसे भी समझ लो मसले को, नजात दो हैं, एक नजात अव्वली है और एक नजात किसी न किसी वक्त है। नजात दो हैं, एक नजात अव्वली ये है कि आपकी रूह निकली और आप जन्नत में पहुंचे, दरमियान में कुछ नहीं, न अजाब कब्र होगा न जहन्नम के अजाब से वास्ता पड़ेगा। मौत आई, मौत से पहले तो कोई जन्नत में जाता नहीं, मौत आई और जन्नत से ताल्लुक हो गया,
कब्र की जिंदगी भर जन्नत से ताल्लुक रहता है और क़यामत के बाद जन्नत के अंदर पहुंचता है। अब ये नजात अव्वली कहलाती है। और एक नजात है किसी न किसी दिन जन्नत में जरूर पहुंचेगा। ये जो नजात है इसका ताल्लुक ईमान के साथ है। जिसमें सही ईमान है वो चाहे कितना गुनहगार हो, उसने कितने भी गुनाह किए हो, बहरहाल वो किसी न किसी दिन जन्नत में पहुंचेगा। इसका तो ताल्लुक है ईमान के साथ। और मैं जो नजात लफ्ज इस्तेमाल करूं नजात अव्वली के, नजात अव्वली के लिए ये दोनों इबादतें अच्छी तरह से अदा करनी जरूरी हैं, बदनी इबादतें भी और माली इबादतें भी। अगर ये दोनों इबादतें अच्छी तरह से नहीं अदा की गई तो नजात अव्वली नहीं होगी, क्योंकि मोमिन है। लिहाजा जहन्नम में जाने के बाद, सजाएं भुगतने के बाद, कितना जमाना जहन्नम में रहने के बाद, बहरहाल ईमान की बरकत से किसी न किसी दिन जन्नत में जरूर पहुंचेगा। वो तो ईमान से ताल्लुक रखता है। मगर हर मोमिन की ख्वाहिश ये है कि वो मरते ही सीधा डायरेक्ट जन्नत में पहुंचे, इन तकलीफों से दो चार न हो। दुनिया में तकलीफों से दो चार होना नहीं चाहता, मरने के बाद क्या तकलीफों से दो चार होगा। लिहाजा हर मोमिन की ख्वाहिश नजात अव्वली की है। इसलिए मैं नजात अव्वली की बात कह रहा हूँ कि नजात अव्वली की अगर ख्वाहिश है तो वो इन दो इबादतों को सही तरीके पर अच्छी तरह से अदा करने पर मौकूफ है। और वो नजात किसी न किसी दिन दुखूल जन्नत, उसका ताल्लुक ईमान के साथ। अगर ईमान सही है, अगर ईमान भी खोट है तो फिर कुछ नहीं। और वो अल्लाह ही जानते हैं, देखने में सब मोमिन एक जैसे दिखते हैं, किसका ईमान खरा है किसके ईमान में खोट है वो अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह 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 ताला हमारे ईमान को सही बना दे। ये जो आयत करीमा मैंने पढ़ी इसका एक एक हिस्सा तो ऊपर है जिसके पढ़ने के बाद हमारे इमाम साहब ने सजदे तिलावत किया, वो हिस्सा तो मैंने नहीं पढ़ा। उन्होंने सजदे से उठकर जो आयत पढ़ी थी वो मैंने उसका वहां से पढ़ा। मजमून तो ऊपर से आ रहा है मगर वो मैंने नहीं पढ़ा बिलकसद। ये बात की आयत है उसमें अल्लाह पाक ये फरमाते हैं, ऊपर से ये है इन्नमा युमिनु बिआयातिना, यहां से मजमून शुरू हुआ। वो पूरी आयत में पढ़ूंगा, सजदा आप पर वाजिब होगा फिर, और मालूम नहीं कितने करेंगे कितने नहीं करेंगे, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा। इन्नमा युमिनु यहां से वो मजमून शुरू हो रहा है कि हमारी आयतों पर ईमान रखने वाले कौन हैं। उसका एक हिस्सा तो ऊपर गुजरा, दूसरा हिस्सा ये है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ, अलाहिदा रहते हैं उनके पहलू ख्वाबगाहों से उनके पहलू अलग रहते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ, लेटते नहीं। किस वक्त का जिक्र हो रहा है, कब चारपाई पर बेड पर लेटा जाता है, रात में, रात का जिक्र हो रहा है, दिन का नहीं हो रहा। दिन में तो आदमी कहां चारपाई पर पड़ता है। हमारे यहां हिंदुस्तान में तो लोग कैलूला भी करते हैं, यहां कैलूला कहां है। कैलूला के बजाय फजरिया करते हैं, फजरिया। तो हर जगह सोने का वक्त है, सोने का टाइम है और सोता नहीं है, वो लोग सोते नहीं, बेड से बिस्तरों से ख्वाबगाहों से अलग रहते हैं। क्या करते हैं, यदऊ न रब्बहुम खौफं व तमा, पुकारते हैं वो अपने परवरदिगार को डरते हुए भी और उम्मीद रखते हुए। देखो ईमान इन दोनों कैफियतों के मजमूए का नाम है, खौफ और रजा। खौफ माने खौफ डर, और रजा माने उम्मीद। ये दोनों चीजें जमा हो तो ईमान है, अगर खौफ ही खौफ है तो ईमान नहीं, और रजा ही रजा है ईमान नहीं। दोनों चीजें जमा हो तो ईमान है। और अल्लाह से डरने का यही मतलब होता है,
अल्लाह से डरना ऐसा नहीं है जैसा सांप से और शेर से डरना है। अल्लाह से डरना ऐसा नहीं है, क्योंकि सांप और शेर से डर ही डर है, वहां उससे कोई उम्मीद या कोई मोहब्बत या कोई ताल्लुक ही नहीं है, डर ही डर है। अल्लाह से ऐसा नहीं डरना। फिर अल्लाह से जो मोहब्बत है वो ऐसी ही जैसे बीवी से, तोबा। यहां बीवी से जो मोहब्बत है वो मोहब्बत ही मोहब्बत है, यहां डर नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान की बात कह रहा हूं, यहां तो डर भी होता है। ये हिंदुस्तान की बात कह रहा हूं, वहां से आया हूं इसलिए वहां के मुहावरा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे बीवी से मोहब्बत है अपने बच्चे से मोहब्बत है, अल्लाह से ऐसी भी मोहब्बत नहीं। बल्कि कैसी मोहब्बत, जैसी पीर से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत, उस्ताद से मोहब्बत। बाप से मोहब्बत भी, पीर से मोहब्बत भी, उस्ताद से मोहब्बत भी, और साथ में डर भी, धड़का भी लगा हुआ है कि अगर बाप की मर्जी के खिलाफ कोई बात हो गई, उस्ताद की मर्जी के खिलाफ कोई बात हो गई, पीर की मर्जी के खिलाफ कोई बात हो गई, पीर नाराज हो जाएगा, उस्ताद नाराज हो जाएगा, बाप नाराज हो जाएगा। और मोहब्बत भी, बाप से मोहब्बत भी है, पीर से मोहब्बत भी है, उस्ताद से मोहब्बत भी है। ये जैसे दोनों बातें जमा हैं, ऐसा अल्लाह से डरने का हुक्म है कि अल्लाह से तो अल्लाह मोहब्बत करने की जात है, अल्लाह वो जात है जिनसे मोहब्बत करनी है। लेकिन मोहब्बत के साथ धड़का भी लगा रहना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई बात अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो गई तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे, ये डर भी साथ में रहना चाहिए। इन्हीं दोनों कैफियतों के मजमुए का नाम ईमान है। अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि ततजाफा जुनूबहुम अनिल मवाजिउ यदउना रब्बहुम खौफन व तमअन, अलहदा रहते हैं उनके पहलू खाबगाहों से, पुकारते हैं वो अपने परवरदिगार को डर और उम्मीद की हालत में। ये दोनों हालतें एक साथ हैं। इस पूरी आयत का मतलब क्या है? इस पूरी आयत का मतलब ये है कि रात को उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं। पूरी आयत का मतलब यह है रात में उठकर तहज्जुद पढ़ते, सोए हैं, लेटे हैं, बड़ी शानदार नींद आ रही है। रात के पिछले पहर में कितनी मजेदार नींद आती है, मगर उन्होंने चादर फेंकी, उठ खड़े हुए, वुजू किया, गर्म ठंडा पानी जो मुयस्सर आया, मुसल्ला बिछाया और खड़े हो गए, रो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी दुनिया सोई पड़ी है, वो अपने खुदा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उसकी बंदगी कर रहे हैं। ये आयत करीमा का मतलब है। एक हदीस शरीफ है, हुजूर ने फरमाया सल्लू खम्सकुम व अद्दू ज़कात अमवालिकुम व सूमु शहरकुम व अतीउ ज़ा अम्रिकुम व सल्लू बिल्लैल वन्नास नियामुन तदखुलुल जन्नत रब्बिकुम बिसलामिन। हुजूर ने फरमाया पांच काम करो अगर डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहते हो, पांच नमाजें पाबंदी से पढ़ो, अपने मालों की जकात अदा करो, अपने महीने के रोजे रखो, माह रमजान के रोजे रखो, और तुम्हारे ऊपर जो हाकिम है उनकी इताअत करो, अतीउ ज़ा अम्रिकुम, और जब लोग सोए पड़े हों तो उठकर नमाज पढ़ो यानी तहज्जुद पढ़ो, तुम्हारे परवरदिगार की जन्नत में जाओगे सलामती के साथ। तो तहज्जुद को बहुत बड़ा दखल है, पांच नमाजों के साथ तहज्जुद को बहुत बड़ा दखल है। पांच फर्ज नमाजों के अलावा कुछ जायद एक्स्ट्रा नमाजें भी रखी गई, उनमें से कुछ तो वो हैं जो फर्जों के साथ आगे पीछे सुन्नत मौकदा, सुन्नत गैर मौकदा, और कुछ सेपरेट अलग रखी गई है। इशराक, चाश, अवाबीन, तहज्जुद, ये चार नमाजें रखी गई। सूरज निकल कर ऊंचा हो गया, मकरूह वक्त निकल गया, इशराक का टाइम शुरू हो गया। हम हिंदुस्तान में तो 10 मिनट बताते हैं कि सूरज की पूरी टिकिया बाहर आ गई, उसके बाद 10 मिनट जो टाइम है ये मकरू टाइम है।
लेकिन यहाँ दुनिया घूमी हुई है, घूमी हुई दुनिया है, कुतुब शिमाली की तरफ करीब है, लिहाजा यहाँ 15 मिनट समझने चाहिए। सूरज निकल जाने के बाद 15 मिनट ये मकरू वक्त है, ये 15 मिनट पूरे हो गए, अब मकरू वक्त खत्म हो गया, इशराक का वक्त शुरू हो गया। लफ्ज इशराक के माने हैं चमकना, ब्राइट, ब्राइटर क्या कहेंगे, चमकना किसी चीज का। तो जब सूरज शुरू में निकलता है तो लाल थाली होता है, लाल थाली, अभी चमक नहीं रहा, फिर कुछ ऊपर जाकर फिर उसमें से किरणें आती है, ये जो किरणें आई ये इशराक है। लिहाजा अब वक्त शुरू हो गया, कितनी इशराक पढ़नी है, कम से कम 2 रकत, ज्यादा जितना आपका जी चाहे। ये टाइम कब तक रहता है, दिन को 4 हिस्सों में तकसीम करो, एक हिस्सा खत्म हो वहां तक, सूरज निकलने से सूरज डूबने तक ये दिन है नहार, इसका जो टाइम है उसको 4 में तकसीम करो, मसलन 6 घंटे हैं, सूरज तो निकलने से डूबने तक 6 घंटे हैं, तो 4 हिस्से में तकसीम करोगे 1.5 घंटा। तो जब सूरज निकलने से 1.5 घंटा हो गया, इशराक का वक्त खत्म, फिर उसके बाद में जो दूसरा सेकंड फोर्थ है, उस सेकंड फोर्थ में अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो उस नमाज का नाम है चाश्त, अरबी में उसका नाम है वोहा, और फारसी में और उर्दू में उसका नाम है चाश्त। चाश्त इस टाइम का नाम है, अरबी में भी वोहा इस टाइम का नाम है। वह शम्स व वोहा वोहा व लैल इज़ा सजा, ये वोहा ये चाश्त का वक्त है। और ये चाश्त का वक्त कब शुरू होता है, जब दिन 1/4 गुजर जाए और 2/4 शुरू हो, अब दोहा और चाश्त का वक्त शुरू हो। अब जो आप नफले पढ़ेंगे वो चाश्त की नफले हैं, सलातुल वोहा है, इसकी कम से कम 4 रकातें हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी तुम्हारा जी चाहे पढ़ो। ये टाइम कब खत्म होगा, इस्तिवा शुरू हो जाए, जवाल नहीं, जवाल तो जब इस्तिवा खत्म होता है, इस्तिवा खत्म हुआ इसका नाम जवाल, और जवाल हो गया अब सुन्नत नफले पढ़ सकते हो, और जवाल से पहले 10 मिनट का जो टाइम है ये इस्तिवा का टाइम है। ये जो इस्तिवा का टाइम है इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते, उससे पहले पहले तक चाश्त का टाइम है, इस्तिवा शुरू होने से पहले पहले तक 3 वक्त हैं, उनमें नमाज पढ़ना जायज नहीं, मकरूह तहरीमी है। जब सूरज निकल रहा है, जब सूरज सर पे आ गया, इस्तिवा के माने सर पे आ गया, और जब सूरज डूब रहा है, सूरज निकलता डूबता है 4 मिनट में, जो उफुक है उसका जो ऊपर का किनारा नजर आएगा तो आखिरी किनारा निकलने तक 4 मिनट लगते हैं। और शरीयत में तुलू गुरूब कहते हैं, सूरज के बीचों बीच में जो नुक्ता है मरकज शम्स, वो जब होरिजन पर से गुजरे, उफुक पर से गुजरे, इसका नाम तुलू गुरूब है। नहीं, मैंने गलत कहा, ये तो ऑब्जर्वेटरी में जो सूरज का मरकज है, नुक्ता है, जब वो होरिजन पर से गुजरता है उस खत पर से, तो तुलू गुरूब कहती है ऑब्जर्वेटरी। और इस्लाम में नहीं, इस्लाम में सूरज का ऊपर का किनारा नजर आ गया, तुलू हो गया, और ऊपर का किनारा भी डूब गया, अब गुरूब हो। लिहाजा तुलू में इस्लामी नुक्ते नजर से 2 मिनट पहले तुलू होगा, ऑब्जर्वेटरी 2 मिनट बाद बतलाएगी, क्योंकि हमारे यहां तो किनारा निकलते तुलू हो, उनके यहां जो मरकज पास होगा तब तुलू होगा, तो 2 मिनट के बाद वो तुलू बताएंगे, और इस्लामी नुक्ते नजर से 2 मिनट पहले तुलू होता है, और गुरूब में वो 2 मिनट पहले गुरूब बताएंगे, अभी आधा सूरज दिख रहा है, वो कहते गुरूब हो गया। और इस्लाम में जब पूरी टिक्किया डूब जाए या 2 मिनट के बाद गुरूब होगा, ऐसा ही सर पर जो खत है, खत्ते इस्तिवा, उसको जब सूरज क्रॉस करता है तो उसे भी 4 मिनट में क्रॉस करता है। तो 4 मिनट ये हैं, 2 मिनट एहतियातन इधर
और दो मिनट एहतियातन इधर यूं दस मिनट कहे जाते हैं, वरना हकीकत में तो ये चार ही मिनट है, मगर ये कहते हैं कि तुलू के वक्त के दस मिनट, इस्तिवा के वक्त का दस मिनट, गुरूब के वक्त के दस मिनट, ये जो टाइम है इसमें नमाज मकरूह तहरीमी, मकरूह तहरीमी है यानी हराम। और दो वक्त और हैं, जब आपने असर के फर्ज पढ़ लिए, अब गुरूब से पहले तक असर के बाद का टाइम, और जब आपने फजर के फर्ज पढ़ लिए उसके बाद से लेकर के तुलू से पहले तक, इन दो वक्तों में बाज नमाजें जायज हैं बाज मकरूह। और अइम्मा में इख्तिलाफ भी है, हनफिया के यहाँ फला फला नमाजें जायज हैं फला मकरूह हैं, हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा के यहाँ दूसरा मसला है, फिर मक्का के अहकाम बाज अइम्मा ने अलग कर दिए हैं, मक्का के अलावा के अहकाम अलग किए हैं, और सब झगड़े में आप न पढ़ें। मुझे तो ये बताना है कि पांच टाइम हैं, उनमें से दो के अहकाम अलग हैं, तीन के अहकाम अलग हैं, और इनके तीन के अहकाम में कोई इख्तिलाफ नहीं, और ये दो हैं इसमें फोकहा में इख्तिलाफ हुए हैं, जोहर के असर के फर्जों के बाद के, असर के फर्जों के बाद के और फजर के फर्जों के बाद के, इन दो वक्तों में इख्तिलाफात हैं, अपने अपने मसलक पर अमल करो। और जो तीन वक्त हैं उसे कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम फोकहा मुत्तफिक हैं कि उस वक्त नमाज पढ़ना हराम है। अभी बताता हूं, सुभान अल्लाह, इधर आ जाएंगे, इतनी दूर क्यों बैठे, भागने में आसानी हो इसलिए। सुभान, तो मैं ये बता रहा था कि इशराक यहां से शुरू होकर यहां तक रहती है, और चाश्त यहां से शुरू होकर के यहां तक रहती है, और ये राय सूफियाए किराम की, वो कहते हैं दो नमाजें अलग अलग हैं, इशराक अलग है चाश्त अलग है, मुहद्दिसीन और फोकाहा कहते हैं ये दो नमाजें अलग अलग हैं ही नहीं, एक ही नमाज। वो ये कहते हैं कि अगर आप सूरज निकलने के बाद जल्दी नफलें पढ़ लेते हैं उसका नाम इशराक, और देर करके पढ़ते हैं उसका नाम वह याश्त, ये दो नमाजें नहीं एक ही है। ये मुहद्दिसीन की राय है, फोकाहा भी तकरीबन यही कहते हैं, लेकिन सूफियाए किराम कहते हैं ये दो नमाजें अलग अलग हैं। और एक हदीस शरीफ से ताईद इसकी होती है, हदीस शरीफ ये है, हजरत अली करमल्लाह ताला वजहू से लोगों ने पूछा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फर्जों के अलावा क्या क्या नफलें पढ़ते थे, तो हजरत अली ने कहा तुम्हारे अंदर उन नफलों को पढ़ने की ताकत कहां है, यानी ऐसा फजूल सवाल क्यों करते हो, बेकार सवाल, जैसे आजकल मिजाज है बहुत से लोगों का, बेकार सवाल पूछते रहेंगे जिसका अमल से कोई ताल्लुक नहीं, सहाबा और सहाबा के बाद के जो लोग थे उनका ये मिजाज नहीं था, तो जो बात पूछते थे वो अपने अमल के लिए पूछते थे, काम की बात पूछते थे। तो इन हजरत ने ऐसा सवाल किया तो हजरत ने उनसे कहा कि ये फजूल सवाल क्यों करते हो, तुम्हारे अंदर कहां ताकत है कि जो हुजूर नफलें पढ़ते थे फर्जों के अलावा तुम भी पढ़ो, वो तारीब इल्म समझदार थे। उन्होंने कहा कि हम में से जो ताकत रखता होगा वो पढ़ेगा, और जिसमें ताकत नहीं होगी वो याद रख करके अगली नस्लों तक बात पहुंचाएगा, कोई ना कोई तो पढ़ेगा। बड़ा शानदार जवाब दिया। तो हजरत अली ने फरमाया कि देखो जब हम असर पढ़ते हैं उस वक्त उसे घड़ियां वड़िया तो थी नहीं, तो फरमाते हैं कि जिस वक्त हम असर पढ़ते हैं उस वक्त उतना सूरज जब निकल सूरज तुलू होकर इतना ऊंचा आ जाता है, तो हुजूर दो रकात पढ़ते, और जब हम जोहर पढ़ते हैं उस वक्त उफुक से जितना ऊंचा सूरज होता है इतना सूरज तुलू होकर जब ऊंचा आता था तो हुजूर चार रकात पढ़ते। ये वो इशराक और चाश्त दो नमाजें हुई। और देखो टाइमिंग की कि जिस वक्त में जोहर सूरज ये सर पे है वहां से कितना ढलने के बाद जोहर पढ़ते हो, इतना जब उफुक से दूर रह जाता था सूरज तो हुजूर चार रकात पढ़ते, और असर में सूरज कहां गए इतना जब सूरज निकलकर ऊंचा आता था तो हुजूर दो रकात पढ़ते।
یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے پوری کتنی شاندار ٹائمنگ کر کے بتائی. یہ جو دو یا ایک نماز ہے, محدثین کہتے ہیں ایک ہی نماز ہے, صوفیہ کہتے ہیں دو نمازیں ہیں, جو بھی ہیں ایک ہیں یا دو ہیں, جس کا نام صلاۃ الاوابین ہے. اوابین یہ جمع ہے اواب کی, اور اواب کے معنی ہے اللہ کی طرف بے حد رجوع ہونے والا بندہ. قرآن کریم میں ہے انہو کان للاوابین غفورا, بے شک اللہ تعالی ان بندوں کو جو بے حد اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہیں ان کی بخشش فرمانے والے ہیں. انہو کان للاوابین غفورا, یہ نمازیں کون پڑھے گا جو اللہ کی طرف بے حد رجوع ہونے والے ہیں. آپ تو جواب دینے والے تھے کہ اس کا کوئی دھندا نہیں ہے, وہ یہ دو نمازیں پڑھے گا, ہم تو جاب پر جاتے ہیں, یہ کا کوئی دھندا نہیں ہے وہ پڑھے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے, دھندے والے بھی یہ پڑھتے ہیں اور بیکار بیٹھے رہتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں. یہ تو اللہ کی توفیق ہے, جس کو مل جائے وہ پڑھتا ہے, اور اللہ وہ جو پڑھتا ہے ان کو اوابین کہتے ہیں, اللہ کی طرف بے حد رجوع ہونے والے بندے. اور صلاۃ الاوابین یعنی بے حد اللہ کی طرف بے حد رجوع ہونے والے بندوں کی نماز. پھر ظہر آئی, پھر عصر آئی, ان کے ساتھ آگے پیچھے نمازیں ہیں, عصر سے پہلے نماز ہے, عصر کے بعد نہیں. عصر کے بعد ایک وقت تو ہے کہ اس میں نفلیں نہیں پڑھ سکتے آپ, لیکن فرض اور واجب پڑھ سکتے ہیں. جو فجر کے بعد کا وقت ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے, اس میں نفلیں نہیں پڑھ سکتے, فرض اور واجب پڑھ سکتے ہیں. کسی کی کوئی قضا نماز ہے, قضا عمری ہے, تو فرض اور واجب پڑھ سکتا ہے. واجب کیسے؟ واجب ایک آدمی نے نفلیں شروع کی اور درمیان میں کسی وجہ سے اس نے نماز توڑ ڈالی, تو اب نفل کی نماز توڑی تو اس کی قضا واجب ہے, لہذا یہ قضا پڑھ سکتا ہے. یہ قضا کب تک پڑھ سکتا ہے؟ سورج ڈوبنا شروع ہو اس سے 10 منٹ پہلے تک. وہ 10 منٹ کا جو ٹائم ہے وہ تو ڈوبنے کے ساتھ ملایا ہوا ہے. جب سورج کے ڈوبنے سے 10 منٹ پہلے اب نماز حرام, وہ 3 اوقات آ گئے. یہ نماز ممنوع ہے کہاں تک؟ سورج ڈوب گیا, روزہ کھولنے کا وقت آ گیا, نماز کی کراہیت ختم. تو یہ نماز مکروہ تحریمی وقت تھا, وہ مکروہ تحریمی ختم, اب نماز جائز ہے. فرض پڑھنا ہو فرض پڑھو, نفلیں پڑھنی ہو نفلیں پڑھو, جو پڑھنا ہو پڑھو. کچھ لوگ مغرب سے پہلے 2 نفلیں پڑھتے ہیں. عام لوگ اور ہم لوگ مغرب سے پہلے نفلیں نہیں پڑھتے, یہ الگ مسئلہ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. اور یہ جو میں مسئلہ بتاتا ہوں یہ الگ بتاتا ہوں کہ سورج غروب ہو گیا, افطار کا وقت ہو گیا, مکروہ وقت ختم, اب جو پڑھنا ہو پڑھو, فرض پڑھنا ہو فرض پڑھو, نفل پڑھنا ہو نفل پڑھو, ادا پڑھنا ہو ادا پڑھو, قضا پڑھنا ہو قضا پڑھو, مکروہ تحریمی وقت ختم. میں یہ مسئلہ بتا رہا. اور یہ جو 2 رکعت کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے, یہ الگ مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ پیدا ہوا ہے ایک حدیث شریف کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے کہ اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے سمجھنے میں مجتہدین میں اختلاف ہوگا یا حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوگا, تو جو جیسا سمجھے گا ایسا ہی تو عمل کرے گا. اور ایسے بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں کہ ان کے سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. میں ایک مثال دوں اس کی. حدیث شریف میں ہے امیر بلال اَن يشفع الاذان ويوتر الاقامة. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دوہری کہیں اور تکبیر اکہری کہیں. امیر بلال اَن يشفع الاذان ويوتر الاقامة. حضرت بلال کو حکم دیا گیا, کس نے دیا؟ ظاہر ہے جب حضرت بلال حضور کے مؤذن ہیں تو حضور ہی نے دیے اور کس نے دیے؟
क्या हुक्म दिया कि अजान दोहरी को हो, तकबीर एकहरी को हो, क्या मतलब? मतलब में इख्तिलाफ हो गया। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा इस हदीस का मतलब और समझते हैं। बाकी जो तीन इमाम हैं, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद, वो इस हदीस का मतलब और समझते हैं। वो ये समझते हैं कि तकबीर में 11 कलेमात हैं, तकबीर में सिर्फ 11 कलेमात हैं और अजान में 15 कलेमात हैं। देखो शुरू में 4 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान में 4 शहादतें, 8 4 हैअलतें, 12 फिर 2 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 14 और आखिर में 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 15 कलेमात अजान में। वो ये कहते हैं कि तकबीर में ये 15 कलेमात नहीं होंगे, तकबीर होगी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 2, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह 4, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह 6, और 2 मरतबा कद कामती सलाह 8, और 2 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 10, और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह 11। ये जो हदीस मैंने सुनाई थी कि अजान दोहरी कहे और तकबीर एकहरी कहे, एकहरी का ये मतलब समझते हैं ये तीन इमाम। इसीलिए आप मक्का मदीना में जाएंगे तो वहां जो तकबीर कहने वाला हो, चूंकि हम्बली है तो इसी तरह से तकबीर कहेगा। और हमारे यहाँ एक बुजुर्ग आते हैं वो मालिकी है, जोहर में आते हैं वो मालिकी है, वो भी इसे तकबीर कहते हैं। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं ये मतलब हदीस का है ही नहीं, बल्कि अजान देने का तरीका क्या है और तकबीर कहने का तरीका क्या है, वो तरीका हुजूर ने हजरत बिलाल को बताया था। कलेमात सेम है, अजान और तकबीर के कलेमात सेम है, बल्कि तकबीर में 2 मरतबा कदकामती सलाह बढ़ेगा, लिहाजा तकबीर के कलेमात 17 है। तकबीर में 17 कलेमात है, अजान में 15 है, कलेमात सेम है। और फिर जो उनको हुक्म दिया गया था वो अजान और तकबीर कहने का तरीका बताया गया। अजान कहने का तरीका, अजान कहने का तरीका तो हमारे यहाँ जो हुजूर ने बताया था वो चल रहा है। तो जो सिमिलर कलेमे हैं, एक जैसे कलेमे हैं, उनको अलग अलग 2 सांसों में कहेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये पुकार कर मुअज्जिन खामोश हो जाएगा। फिर जितनी देर में ये कलेमा पुकारा है, इतनी देर, थोड़ा कम ज्यादा हो जाए कोई हर्ज नहीं, तकरीबन इतनी देर खामोश रहेगा। फिर दोबारा कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह से जो सिमिलर कलेमात है। दोहरा कहने का मतलब ये है, दोहरा कहने का मतलब ये है। और तकबीर में जो सिमिलर कलेमात है वो एक सांस में कहने, क्योंकि हमारे यहां तकबीर कहने का तरीका गलत चल पड़ा है। बाजा तो 2 सांस में तकबीर निमटा देता है, और ऐसे भी हैं जो एक सांस में निमटा देते हैं, वरना 2 सांस में तो आमतौर पर लोग निमटाते हैं। ये तकबीर कहने का तरीका ही हमारे यहां गलत चला हुआ है। तकबीर कहने का तरीका क्या है? जो सिमिलर कलेमात हैं, मुतमासिल कलेमात हैं, वो एक सांस में कीजिए कहे जाएंगे, वहां सांस तोड़ा जाएगा, वहां रुकेंगे और रुक करके फिर दूसरे 2 सिमिलर कलेमात कहेंगे। मैं तकबीर कहकर दिखाऊं आपको, तकबीर कहने का तरीका ये है। अब अच्छा, तकबीर में हर कलेमे के आखिर में जज्म आएगा, एराब नहीं आएगा। हदीस शरीफ में है तकबीर जज्मुन, लिहाजा यू कहेंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब रुकना है, जिस सिमिलर कलेमात से सब एक सांस में कहे।
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. رکو. اسی طرح سے اگلے محمد رسول دو مرتبہ کہہ کر رکو, پھر حیا علی الصلاۃ دو مرتبہ ایک ساتھ کہہ کر رکو, پھر حیا علی الفلاح دو مرتبہ ایک ساتھ کہہ کر رکو, پھر قد قامت الصلاۃ دو الگ سانسوں میں کہنا, ایک سانس میں نہیں, کیونکہ تو نیا مضمون بڑھا ہے. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, یہ دو سانسوں میں کہا جائے گا. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک سانس میں, لا الہ الا اللہ الگ سانس میں. تکبیر میں کتنی دیر لگتی تھی حضور کے زمانے میں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ میں بقیع کے پاس حراج میں ہوتا تھا. یہ حراج لفظ حدیث میں نہیں آیا, یہ تو اب استعمال کرتے ہیں عرب. جانوروں کی جو مارکیٹ ہوتی, زندہ جانوروں کی مارکیٹ, اسے اب عرب حراج کہتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ کے پاس جو جانوروں کا حیوانات کا قبرستان ہے وہاں میں ہوتا تھا, اور مسجد نبوی میں تکبیر شروع ہوتی تھی, تو میں وہاں سے چلتا تھا اور تکبیر ختم ہونے سے پہلے صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اب جاؤ مدینہ شریف میں, بقی وہی ہے, ایک اینچ ادھر سے ادھر نہیں ہٹا, اور حضور کی مسجد بھی وہی ہے. دیکھو اب جو مسجد ہے وہ تو بقی سے لگ گئی جا کر, بقی میں اور مسجد میں صرف روڈ ہے, یہ وہاں تک مسجد حضور کی نہیں ہے. بلکہ جب آپ اندر جائیں گے جہاں ریاض الجنہ ہے, وہ ریاض الجنہ والے اس کے ستون الگ ہیں, ان کا رنگ الگ ہے. یہ تین مسجدوں کا مجموعہ ہے, یہ ترکوں کی بنائی ہوئی مسجد ہے. پھر اس ترکوں کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر حضرت عثمان کی بنائی ہوئی مسجد ہے, پھر حضرت عثمان کی بنائی ہوئی کے اندر حضرت عمر کی بنائی ہوئی ایکسٹینشن ہے, پھر اس کے اندر حضور کی مسجد ہے. تو یہ حضور کی یہاں مسجد ہے, یعنی جہاں حضور کا روزہ ہے, آپ تو یوں سمجھیں کہ یہ ریاض الجنہ. اب بقی کہاں ہے؟ وہاں مارکیٹ میں ایک آدمی, جب تکبیر یہاں شروع ہوئی تو وہاں سے چل کر آ کر صف میں کھڑے ہو جاتے تھے تکبیر شروع ہونے سے پہلے. اب آپ غور کیجئے, ہمارے یہاں تکبیر ہوتی ہے, میں اپنے کمرے میں سے اگر تکبیر شروع ہو جائے تو وہاں سے چل کر تکبیر ختم ہونے سے پہلے یہاں صف میں نہیں آ سکتا. کر لیجئے تجربہ. اس زمانے کے جب تکبیریں ایسی ہوتی تھی, آج بھی الحمدللہ حرم میں ایسے ہی ہوتی, حالانکہ وہ ایک ایک مرتبہ کلمہ کہتے ہیں, لیکن آپ اتنا فاصلہ اذان تکبیر ہوتے ہوتے چل سکتے ہیں. اس زمانے کے یہ سب مسئلے تھے کہ تکبیر سے شروع ہونے سے پہلے کھڑا ہونا مکروہ ہے. کیوں؟ کتنی دیر ٹانگیں توڑے گا کھڑا کھڑا؟ تکبیر تو اتنی لمبی ہو رہی ہے, کہاں تک کھڑا کھڑا ٹانگیں توڑے گا؟ اس زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ تکبیر شروع ہونے پر بھی نہیں کھڑا ہونا, تکبیر شروع ہونے پر بھی نہیں کھڑا ہونا. جب آپ کو سہول تو کھڑے ہوئیے, لیکن جب تکبیر کہنے والا کہ حیا علی الصلاۃ, تو اب آپ بیٹھے نہیں رہ سکتے, اب کھڑا ہو ہی جانا. کیوں؟ اس نے کہا آؤ نماز کے لیے, اور آپ بیٹھے بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں. کیوں مکھیاں مار رہے ہیں؟ تو مکھیاں تو یہاں نہیں ہوتی, تو کپڑوں میں کھٹمل ڈھونڈ رہے ہو. مکھیاں نہیں تو کھٹمل تو ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو بات کہیں چلی گئی. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اصل تکبیر کہنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ تھا کہ امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت بلال کو طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو اذان میں جو سمیگل کلمات ہیں ان کو دوہرا کہا جائے, یعنی دو سانس میں کہا جائے, اور تکبیر میں جو سمینر کلمات ہیں ان کو اکہرا کہا جائے, یعنی ایک سانس میں کہا جائے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا, کہ اس کے اتنے کلمات ہیں اس کے اتنے کلمات ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. دلیل امام اعظم جو سمجھ رہے ہیں اس کی دلیل دو ہے. میں نے ابھی بتایا وہ 11 کلمات, ان 11 کلمات کو جو میں نے پڑھ کر بتایا تو شروع میں دو مرتبہ اللہ اکبر اور آخر میں بھی دو مرتبہ اللہ اکبر ہے, پھر تکبیر اکہری کہاں رہی؟
अगर वो जो वो मतलब होता है कि एक एहरा कहा जाए तो अल्लाह अकबर शुरू में एक ही मतलब आपको अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही मरतबा अल्लाह अकबर कहो, फिर आगे भी एक ही मरतबा अल्लाह अकबर कहो, जब तो एक ही होगी। अच्छा वो इमाम ये कहते हैं कि चूंकि ये दो कल अल्लाह अकबर एक सांस में कहते हैं इसलिए ये दो नहीं एक ही। इमाम अबू हनीफा अलैहिर रहमा कहते हैं यही तो मैं सर पीट रहा हूं कि जो एक सांस में कहा जाएगा वो दो नहीं एक है, और ये उनको मानना पड़ा। शुरू के अल्लाह अकबर दो मरतबा है, आखिर का अल्लाह अकबर उनके यहाँ दो मरतबा है, और उसे वो एक किस तरह मानते हैं कि वो एक कलमा इसलिए कि एक सांस में कहा गया। तो अगर दो अल्लाह अकबर एक सांस में कहने की वजह से एक कलमा हो सकते हैं तो दो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह एक सांस में कहने की वजह से एक कलमा क्यों नहीं हो सकते। दूसरी दलील अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है, एक सहाबी है हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला ने, वो मक्का मुकर्रमा के मौज़िन थे, वो ये कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे अजान 15 कलेमा सिखलाई और तकबीर 19 कलेमा सिखलाई। तुम तो 11 कह रहे हो, तो कहते हैं हुजूर ने मुझे 19 कलेमे तकबीर सिखलाई। अब ये 19 का मसला आ गया दूसरी हदीस, तो फिर उसे समझाऊं मैंने, ये कहो तुम 19 कलेमे कहां से किस तरह हो गए। वो असल हजरत अबू महजूरा का किस्सा सुनो, जब मक्का मुकर्रमा सन 8 हिजरी में रमजान शरीफ में फतह हुआ, रमजान शरीफ में मक्का फतह हुआ, तो हुजूर का मामूल ये था कि जहां जंग के लिए तशरीफ ले आते और फतह होती थी तो फतह के बाद हुजूर वहां 3 दिन ठहरते और वहां का तमाम नज्म इंतजाम करके 3 दिन के बाद वापस। लेकिन मक्का मुकर्रमा फतह करने के बाद हुजूर 19 दिन ठहरे, इसलिए कि ऐसी खबरें आ रही थी, इंटेलिजेंस खबरें ला रहा था कि हवाजिन के जो कबाइल हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं और मक्का पर चढ़ाई कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में 3 दिन रहकर मदीना लौट जाना ये एक अकलमंदी की बात नहीं, हम मदीना लौट जाएंगे, वो हमला करके मक्का पर कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए हुजूर रुके रहे कि जो खबरें आ रही हैं सही है गलत। खबरें पक्की हो गई तो वो तमाम कबाइल इकट्ठा हो गए, उनका 50,000 लश्कर है, 50,000 लश्कर है और वो मक्का की तरफ चल पड़ा है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचा कि वो यहाँ मक्का आए और हरम शरीफ में लड़ाई हो, इससे बेहतर हम उनकी तरफ बढ़े ताकि जो लड़ाई हो नहीं हो बाहर हो। हुजूर जो मदीना से लश्कर लेकर आए थे मक्का फतह करने के लिए, वो 10,000 का लश्कर था। जब हुजूर यहाँ से मक्का से लश्कर लेकर चले हैं तो हुजूर का लश्कर 12,000 था, ये 2,000 मक्का के जो मुसलमान है वो शरीक हुए नए मुसलमान। हुजूर वो यूं चल रहे हैं, हुजूर लश्कर लेकर यूं जा रहे हैं, रास्ते में हुनैन एक मैदान है बहुत बड़ा, उस हुनैन मैदान में आमना सामना हुआ और वहां जंगे हुनैन हुई। जंगे हुनैन का आपने नाम सुना होगा, मुझे वो जंग नहीं बयान करनी। ये जब हुजूर मक्का से, मक्का अभी फतह हुआ है, 19 दिन पहले फतह हुआ है, जब हुजूर मक्का से हुनैन की तरफ चले तो रास्ते में एक जगह लश्कर का पड़ाव है, लश्कर बहुत बड़ा है, 12,000 आदमी कोई मामूली नहीं होते। लश्कर का एक जगह पड़ा है एक बस्ती के करीब में, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि जब लश्कर ठहरता था तो हुजूर के लिए खीमा जहां खड़ा करते थे उसके करीब में जगह हमवार करके तैयार कर ली जाती थी और उसी में अजाने होती थी और तमाम लश्कर के सहाबा यहीं आकर हुजूर के पीछे जमा से नमाज पढ़ते और उसी को मस्जिद कहा जाता था। तो हुजूर के खीमे के करीब में जगह हमवार करके तैयार कर ली गई है, वहां असर की अजान हजरत बिलाल ने शुरू की। तो जब देहातों में इतने बड़े लोग आ जाएं तो देहात के लोगों के लिए तो बड़ा तमाशा होता है, तो बड़े बड़े नौजवान लड़के तमाशा देखने के लिए निकले हैं, वो सब इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं।
जैसे ईद के दिन हमारे नौजवान आवारा भटकते रहते हैं, इस लेग पर और उस लेग पर और उस पोल पर और उस पोल पर भटकते रहते हैं, शरारतें करते हैं, लोगों को परेशान करते रहते हैं। ये भी सब काफी रहे, बच्चे लड़के नौजवान लड़के सब काफी रहे, वो भी यही धंधा कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। ये तो मुसलमान है, इन नौजवानों को ये हरकत नहीं करनी चाहिए, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम में जो ईदें हैं वो इबादतें हैं, वो ठट्ठा मजाक और तफरी और सैर सपाटा नहीं है। ये भी तरीका चल पड़ा है कि ईद के दिन लड़कियां बन सवर करके ठाट करके इस महल्ले उस महल्ले इस घर उस घर सैर सपाटे करती रहती है। ये मुसलमानों के मुआशरे की बात नहीं है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खुद हमारे यहाँ देवबंद में सिलसिला शुरू हुआ, बड़ी मुश्किल से रोका तो वहां ईद हुई और लड़कियां बन ठन करके उस महल ले जा रही उस महल ले जा रही उस घर जा रही उस घर जा रही है। ये बिल्कुल इस्लामी तरीके के खिलाफ है, लड़कों की ये आवारगी और ये सैर सपाटे करना और भटकना और लड़कियों का इस तरह से ईद के दिन अपने हुस्न का और अपने कपड़ों का अपने जेवर का मुजाहरा करना, ये सब इस्लाम में इसकी कोई जवाब नहीं। इस्लाम में तो ईद इबादत है, हिंदुओं के यहाँ दिवाली और होली खेल तमाशा बदतमीजी है, इस्लाम में ईद बदतमीजी के लिए नहीं, वो तो इबादत और बंदगी के लिए। तो है ये तो लड़के काफिर से घूम रहे हैं फिर रहे हैं। अजान जब शुरू हुई तो उन्होंने हजरत बिलाल के आवाज में आवाज मिलाकर हु शुरू किया, उन्हें तो पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, मगर उनके हजरत बिलाल के आवाज में आवाज मिला करके उन्होंने शोर किया। हदीस शरीफ में है कि हुजूर ने उन आवाजों के बीच में एक खूबसूरत आवाज सुनी। हुजूर जहां बैठे हुए हैं वो जो शोर आ रहा है उस शोर के अंदर ये खूबसूरत आवाज आ रही है। हुजूर ने सहाबा से कहा ये लड़के जो शोर करें सबको पकड़ लो। साहबा भागे और सब पकड़े गए, कहां जाएंगे सब पकड़ के हाजिर किए हुजूर के सामने, वो सब हाजिर किए। हुजूर ने पूछा तुम में सबसे ऊंचा कौन चिल्ला रहा था, तो सबने कहा कि ये लड़का चिल्ला रहा था, यही वो हजरत अबू महजूरा है, कहा ये लड़का चिल्ला रहा था। तो हुजूर ने सबको छोड़वा दिया, जाओ छुट्टी। वो जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था उसी को रोका और बाकी सबको छोड़ दिया, जाओ। जब वो चले गए तो हुजूर ने उस नौजवान से हुजूर ने फरमाया खड़े हो और जो मैं कहता हूं वो कलेमा कहो। मरता क्या न करते, साथी तो भाग गए हैं, अकेला फंस गया है और फौज के लश्कर फौजियों के बीच में और कमांडर इन चीफ के सामने खड़ा है, लरस तो वैसे ही रहा है। हुजूर ने फरमाया खड़े हो और जो कलेमा मैं कहलाऊ वो कहो। चुनाचे वो खड़े हुए, हुजूर ने फरमाया कहो जोर से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो अभी तो अजान वो सुन ही चुके थे, उन्होंने काल में उंगली डाला जम करके शानदार तरीके पर कहे, आवाज बड़ी खूबसूरत थी। फिर हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो भी कहे। फिर कहा हुजूर ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मक्की तेल में गिरी, क्यों? अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, इसको तो हिंदू भी मानता है, मुशरिकीन भी मानते थे, अल्लाह बड़ा है इसको कौन नहीं मानता। तो ये बात उनके अकीदे के खिलाफ नहीं थी, लिहाजा उन्होंने जमकर कहा अल्लाहु अकबर। लेकिन जब ये मसला आया कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो ये तो उसके अकीदे के खिलाफ है, ये तो मुशरिक है, ये तो हजारों खुदा मानता है दूसरे, जो हजारों खुदा मानता है तो वो कैसे गवाही देगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। अब ये जुमला उसके अकीदे के खिलाफ है, न कहे तो पिटाए हो, कहे तो कैसे कहे। चुनांचे मरी मरी आवाज से उन्होंने कहा, मरता क्या न करता। हुजूर ने कोई एक्शन नहीं लिया कि पहले अल्लाह अकबर तो बड़ा जोर से कहा था, ये मरी मरी आवाज से क्यों कहा, नहीं कुछ नहीं। हुजूर ने फिर अगला जुमला कहलवाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी मरी मरी आवाज से कहा। हुजूर ने तीसरा जुमला कहलवाया अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये भी तो सारा झगड़ा है, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यही तो सारा झगड़ा है, इसी पे लड़ाइयां हो रही थी। अब ये जुमला कैसे कहे, वो तो काफिर है, इसको भी मरा मरा कहा।
फिर हुजूर ने वही अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उन्होंने मरा मरा कहा। लेकिन हुजूर का कहलवाना और उनका कहना मरा मरा ही कहना, ये चार जुमले कहते कहते अल्लाह ताला ने उनका शरह सदर कर दिया, दिल खुल गया। तो हुजूर ने फरमाया भाई यूं नहीं, जैसा तुमने अल्लाह अकबर कहा था ऐसे ही कहो। और फिर हुजूर पलट कर पीछे आए, कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चूंकि शरह सदर अल्लाह ने कर दिया था, वो पहले कहलवाने की बरकत से। इधर जापान में एक बुजुर्ग है, एक बड़े आलिम है, मक्का मुकर्रमा में अभी मेरी मुलाकात हुई हुई थी। वो वहां दीन की इशाअत का काम करते हैं। तो इनका एक अजीब गरीब फार्मूला है, वो हर गैर मुस्लिम से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलवाते, समझाते वमझाते कि इन्हें भाई से कह लिया एक मरतबा। वो सिर्फ ये कलमा पढ़ाते, हर एक से भाई यही पढ़ाते। हालांकि वहां तो पता नहीं कौन सी जुबान बोलते, क्या इन फाइनी क्या बोलते हैं, जापान की बात है। वो हर एक से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाएंगे, और इस पढ़ने की बरकत से कितने ही अपने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह ने शरह सदर कर लिया, बगैर समझे पढ़ने से शरह सदर कर। और ये तो समझ रहा है, सरकारे मदीना कहलवा रहे हैं और ये कह रहा है अल्लाह ने शरह सदर कर दिया, सीना खोल दिया। सीना जी जब दोबारा कहलवाया तो अल्लाह अकबर की तरह से उन्होंने जम करके ऊंची आवाज से चारों कलेमा से फिर आगे। तो फिर कोई मजमून है या अलसला में तो कोई इश्काल नहीं है, या अलसला में कोई नहीं, अल्लाह अकबर में कुछ नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह में कुछ नहीं, इसलिए शरह सदर तो हो चुका है। सारी अजान हुजूर ने कहलवाई। देखो अब अजान में चार लफ्ज बढ़ गए, 15 तो थी, और ये जो चार मरतबा कहकर आहिस्ता आहिस्ता गए और फिर वापस लाए तो चार और बढ़ गए, 15 और चार 19 यूं हो गए। जब अजान हो चुकी तो हुजूर ने उनको बिठाया अपने पास, और बिठा करके हुजूर ने उनके सर पर और उनके सीने पर हाथ फेरा। कुछ कहा नहीं, उनके सर पर सीने पर हाथ फेरा और हजरत बिलाल से कहा, इशारा किया हुजूर ने। हजरत बिलाल हुजूर के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, कैसा वैसा हजरत बिलाल के पास रहता था, जब हुजूर को लेना होता था उनसे लेकर देते थे। तो हुजूर ने इशारा किया और एक पोटली लाए, उस पोटली में चांदी थी, उस जमाने में करेंसी नहीं होती थी, बस ऐसे चांदी और सोना वैसे ही चलता था। तो हुजूर ने एक मुट्ठी भर के चांदी इनको दी और फरमाया जाओ। कहने लगे या रसूलल्लाह मैं तो नहीं जाता, मैं तो नहीं जाता, और वही उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके जब इस्लाम कबूल कर लिया तो हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम पसंद करो तो मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हें मक्का का मुअज्जिन बनाऊं। चुनांचे वो साथ हो गए और हुजूर यूं गए, जंग हुई, वापस आए, और वापस आकर के मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम का मुअज्जिन हजरत अबू महजूरा को बना दिया। और उन्होंने अजान दी, फिर उनके लड़कों ने, फिर उनके लड़कों ने 5 पुश्तों तक, 200 साल तक उन्हीं के खानदान में मक्का की अजान चलती रही। तो ये किस्सा है हजरत अबू महजूरा का। इसमें जो खास नोट करने की बात है वो ये है कि अजान में आवाज की खूबसूरती, इसका लिहाज रखा जाए। देखो हुजूर ने वो खूब उनकी आवाज की खूबसूरती की बिना पर इनको पकड़ के बुलाया, बल्कि जो अजान सबसे पहले ख्वाब में देखी है काबिन अब्दुल्लाह इब्न जैद ने, और वो अजान हुजूर को तहज्जुद के वक्त आकर ख्वाब बताया, या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, अभी जब सुबह सादिक हो तो तुम बिलाल को लेकर मस्जिद की छत पर जाइए, और तुमने जो ख्वाब देखा है उसमें जो कलिमा देखे हैं वो एक एक कलिमा बताते जाइयो, और बिलाल पुकारेंगे। और पहली अजान हजरत बिलाल ने दी है मस्जिद नबी की छत पर से, और ख्वाब इन्होंने देखा है, हक इनका है, फिर हजरत बिलाल से क्यों अजान दिलवाई। उस हदीस में यह है कि फइन्नहु अंदा सौतम मिनका, उनकी बिलाल की आवाज तुमसे ऊंची भी है और खूबसूरत भी है। हजरत बिलाल की आवाज ऊंची थी, अजान में तो जरूरी है, अब तो लाउड स्पीकर आ गया है, इसलिए अब वो कोई ऐसी जरूरी नहीं रही, लेकिन पहले जब लाउड स्पीकर नहीं था तो जितनी ऊंची आवाज होगा। और इसीलिए जो बड़ी बड़ी मस्जिदें होती थी, जैसे दिल्ली की जामे मस्जिद,
तो इस मीनारे पर एक मौजिन और एक मीनारे पर ये मौजिन, दो मौजिन साथ अजान देते थे, क्योंकि इस मीनारे की अजान तक जल जाएगी नहीं। और बड़ी मस्जिदें होती थी तो चार चार मीनारों पर चार मौजिन करके एक साथ अजान देते थे। और उसी जमाने में हैया अलैह सलाम चेहरा दाईं तरफ और हैया अलैह सलाम चेहरा बाईं तरफ फेरते थे, ताकि इधर भी आवाज जाए इधर भी आवाज जाए। अब हमारा अजान देने वाला बंद कमरे में लाउड स्पीकर में भी चेहरा फेरता है, लेकिन मैंने देखा तो ये चेहरा फेर रहा है, अरे बेटो तो बंद कमरे में किसको आवाज वो क्यों फेरता है? वो हरम में देख रहा है कि मस्जिद नबी में जो अजान देता है वो भी चेहरा फेरता है। तो उसने सोचा कि ये भी कोई खास जुज है। खैर कोई हरज नहीं, पहले से तरीका चला आ रहा तो कोई हरज नहीं। बाकी अब उसके इतनी अहमियत नहीं रही है, तो जब लाउड स्पीकर से अजान होने लगी तो उसकी अहमियत नहीं रही। लेकिन मेरे भाइयों, एक दूसरे मसले की बड़ी अहमियत है और वो रमजान के बाद सोचना है और मेरे अगले आने से पहले पहले उसे राय ही होना है। वो यूके में है, वहां जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनमें एम्पलीफायर लगे हुए हैं और मस्जिद में जो कुछ होगा, अजान होगी, तकरीरें होगी, सब कुछ होगा, वो हर हर घर में पहुंचेगा। और घर में रेडियो है एक अलग टाइप के, वो खुले ही रहते हैं हर वक्त। यहाँ अजान हुई तो हर घर में अजान हो रही है, यहाँ तकरीर शुरू हुई तो हर घर में 5 माइल के एरिए में एम्पलीफायर काम करता है। 180 डॉलर में वो, 80 पाउंड में वो आता है, लोग 80 पाउंड में घर में ला कर रख लेते हैं। और 5 माइल के एरिया में जितनी मस्जिदें हैं उन सभी के स्टेशन उसमें है, सबके आते हैं। और मस्जिद की अजान भी पहुंचती है, तकबीर भी पहुंचती है, बयान भी पहुंचता है, हर चीज पहुंचती है। तो सारे घर अजानों की आवाजों से मालूम हो गए, औरतों को यह पता चलता है कि नमाज का वक्त हुआ। तो अल्लाह के फजलो करम से आपने मस्जिद बहुत शानदार बना ली। मैं हिंदुस्तान में फोन मुझे आते थे कि हमने मस्जिद पूरी कर ली, ऐसी कर ली, वैसी कर ली। मैं नहीं समझता था कि आप हजरत ने इतनी शानदार मस्जिद बनाई है, मेरे गुमान से भी बहुत अच्छी बना ली। अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। आगे ये काम करना है, रमजान के बाद उसे सोचना है। किसी को चाहो तो वहां से जाकर के सूरत समझो, उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट से करनी है वो करो। और ये होना चाहिए ताकि हमारी बस्ती के हर हर घर में अजाने पहुंचे। हम जो रमजान पर दीनी बातें करते हैं, ये सारी बातें औरतें सुनती हैं लंदन में, और लंदन में मर्द तो थोड़े बैठते हैं, औरतें ज्यादा बातें सुनती। फिर उनके सवाल आते हैं औरतों के, उससे अंदाजा होता है कि घरों में औरतें कितने बयान सुनती। इसलिए ये काम रमजान के बाद याद रख के करना है। आप ये कहेंगे कि ये तो सदर साहब से कहना चाहिए, कमेटी को कहना चाहिए, वो कहेगा हमें क्यों कह रहे। अरे तुम पैसा निकालोगे जबकि तो सदर साहब कुछ करेंगे, तो पैसे के बगैर थोड़े हो जाते हैं। आप हजरात से इसलिए किया कि कुछ पैसा जमा करो सदर साहब के पास, तो होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं असल ये कह रहा था कि अजान में ऊंची आवाज और खूबसूरती ये मतलूब है। हजरत बिलाल से इसलिए दिया कि अजान खूबसूरत थी, आवाज बड़ी खूबसूरत थी, ऊंची भी थी और बहुत खूबसूरत थी। और हुजूर के जमाने तक हजरत बिलाल ने अजान दी। जब हुजूर की वफात हो गई उस दिन से उन्होंने अजान बंद कर दी। और ये कहा कि मैं हुजूर के लिए अजान देता था, मैं किसी और के लिए नहीं देता हूं। चुनांचे हजरत सिद्दीक अकबर ने दूसरा मौजिन मुकर्रर कर दिया। हजरत बिलाल जिहाद में निकल गए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद, जंगों में, लड़ाइयों में चले गए। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मदीना वापस आए, तो उस वक्त हजरत हसन और हुसैन ये दो हुजूर के नवासे हैं, बच्चे अब जवान हो गए, हुजूर के जमाने में तो बच्चे थे अब जवान हो गए। उन दोनों नवासों ने हजरत बिलाल से दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए एक मरतबा अजान दें, क्योंकि हुजूर के जमाने में तो बच्चे छोटे थे, उनको कुछ याद नहीं है पूरा। तो उन दो बच्चों ने दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए एक मरतबा अजान दें, तो हजरत बिलाल उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट नहीं कर सके। अबू बकर का दरख्वास्त उन्होंने रिजेक्ट कर दी। हजरत अबू बकर की बात नहीं मान ली कि मैं हुजूर के लिए अजान देता हूं, किसी और के लिए नहीं दूंगा। लेकिन जब साहिबजादों ने दरख्वास्त की तो इनकार नहीं कर सके। चुनांचे एक अजान फिर उन्होंने मदीना में दी है इन दो साहिबजादों के कहने से। और जब वो अजान उन्होंने शुरू की है तो मदीना में कोहराम मच गया था, सारे घर में से आहो बुका गया हुआ घर, और कोई औरत घर में ऐसी नहीं थी कि जो सड़क पर न निकल आई हो, शोर मच गया कि हुजूर तशरीफ ले आए।
بس وہ ایک اذان کہہ دی. کوئی پردہ نشین اور کسی گھر میں نہیں تھی جو سڑک پر نہ رہی ہو, سب یہ سمجھے کہ حضور زندہ ہو گئے دوبارہ. کیوں؟ حضور کے زمانے کی اذان ہو رہی تو اتنی خوبصورت اذان تھی ان کی. یہ قصہ سناؤ. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں, آج نظر نہیں آ رہے, وہ سنایا کرتے ہیں وہ قصہ. ایک گاؤں میں اذان ہوتی تھی تو مؤذن کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر کہتا تھا یقول المسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ, مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو انہوں نے کہا یہ یقول المسلم اذان میں کہاں سے پڑھ گیا؟ یقول المسلم یقول المسلم, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ نے بھی کہتا یقول المسلم, پھر حیا علیہ السلام نے کچھ نہیں. تو انہوں نے مسافروں نے گاؤں والوں سے پوچھا بھائی تمہارے گاؤں میں کیسی اذان ہے, یقول المسلم کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اصل میں یہ مؤذن یہودی ہے. تو اب وہ تو حضور کو نبی مانتا نہیں, تو وہ کیسے کہے کہ اشہد ان محمد رسول؟ تو اس لیے وہ بڑھاتا ہے یقول المسلم اشہد ان محمد رسول. تو لوگوں نے کہا کمبختو اس یہودی کو مؤذن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ پچھلا مؤذن جب مر گیا تو ہم نے گاؤں میں اعلان کیا بھائی سب آؤ انٹرویو دو کس کی آواز خوبصورت ہے, تو گاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز یہودی کی تھی, اس لیے اسے مؤذن بنایا. تو میرے بھائیو اتنی خوبصورتی بھی مطلوب نہیں کہ آواز کی خوبصورتی میں یہاں تک گئے کہ یہودی کو مؤذن بنا دی. تو خیر بات میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ابو داؤد کی روایت ہے, یہ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے اذان میں 19 کلمے سکھلائے اور تکبیر میں 17 کلمے سکھلائے. تو یہ اذان میں جو چار بڑے ہیں وہ تو وہ جو آہستہ کہے تھے اور پیچھے پلٹا کر کے کہے تھے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, مگر یہ جملہ کہ مجھے تکبیر میں 17 کلمہ سکھلائے, اب کرو دو حدیثیں جمع. حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ تکبیر ایک ہی کہو, اور یہ مؤذن جسے مکہ کا مسجد حرام کا مؤذن مقرر کیا اسے تکبیر میں 17 کلمہ سکھلائے. تو یہ حدیث اور یہ دو حدیث جمع کرو کیسے ہوں گے؟ وہ جمع کرنے کی شکل یہی ہے کہ ایک ہی کا مطلب ہے کہ سیمیلر کلمات ایک ساتھ میں کہیں گے, کلمات نہیں گھٹیں گے بلکہ اذان سے دو کلمے اور بڑھیں گے, 17 کلمات ہو جائیں گے. تو خیر وہ جو حدیث شریف ہے اس کا مطلب امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ سمجھتے ہیں ان دلائل, دوسرے تین امام یہ سمجھتے ہیں, اب وہ جو سمجھتے ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں, جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے حدیث کا سمجھا ہے مطلب اس پر یہ عمل کرتے ہیں. تو اصل مضمون تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ قرآن کی بعض آیتیں اور بعض حدیثوں کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. ایسی ہی ایک حدیث ہے جس کو سمجھانے کے لیے میں دور نکل گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء, بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء, ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے اس شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے. ہر دو اذان کیا مطلب؟ بعض نے کہا ظہر کی اذان اور عصر کی اذان, عصر کی اذان اور مغرب کی اذان, مغرب کی اذان اور عشاء کی اذان, عشاء کی اذان اور فجر کی اذان. بعض نے تو یہ مطلب لیا لیکن یہ مطلب صحیح نہیں. صحیح مطلب یہ ہے کہ دو اذانیں یعنی اذان اور تکبیر. اذان بھی اذان ہے, لفظ اذان کے معنی اعلان, لفظ اذان کے معنی اعلان, تو اذان بھی اعلان ہے, وہ اذان سارے محلے کے لیے اعلان ہے, اور تکبیر بھی اذان ہے اعلان ہے, وہ مسجد کے اندر کے لوگوں کے لیے اذان اور اعلان ہے. لہذا دو اذانوں کے درمیان یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے, نماز ہے یعنی نفل نماز ہے اس شخص کے لیے جو چاہے. یہ حدیث شریف اس ارشاد کی وجہ سے
देखो फजर की अजान और तकबीर के दरमियान में फजर की दो सुन्नतें, जहर की अजान और जहर की तकबीर के दरमियान में जहर की चार सुन्नतें, और जितनी नफलें चाहे पढ़ो। असर की अजान और असर की तकबीर के बीच में असर की चार सुन्नतें हैं गैर मौकल। ईशा की अजान और ईशा की तकबीर के बीच में ईशा की चार सुन्नतें हैं गैर मौकल। मगरिब की अजान और मगरिब की तकबीर के दरमियान में नफल नमाज सुन्नत मौकदा या गैर मौकदा है या नहीं? कुछ लोगों ने कहा कि वहां भी है। हुजूर ने फरमाया कि हर दो अजानों के बीच में नमाज है जिसके लिए चाहे। लेकिन चारों नमाजों में अजान और तकबीर के बीच में नफले हैं तो मगरिब में भी अजान और तकबीर के बीच में नफले हैं, इसलिए वो मगरिब की अजान होने के बाद दो नफले पढ़ते हैं फिर मगरिब की नमाज शुरू होती है। ये हदीस शरीफ उन लोगों की दलील है और उन्होंने ये मतलब समझा, हदीस शरीफ का ये मतलब समझा। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं इस हदीस का ये मतलब नहीं। देखो कितनी गहरी बात जा रही है। अजान होती है उसमें जब कहते हैं हैया अलस सला, नमाज के लिए आओ, ये कौन सी नमाज के लिए बुला रहा है? सुन्नतें पढ़ने बुला रहा है, फर्ज पढ़ने बुला रहा है। मस्जिदें हैं ही जमात और फर्जों के लिए तो बुलाता है हैया अलस सला, नमाज पढ़ने आओ यानी फर्ज पढ़ने आओ। अब एक आदमी अजान सुनकर आता है और आकर जोहर की सुन्नतों की नियत बांधता है, ये तो अल्लाह के दाई की मुखालिफत है। अभी मैंने बताया था तकबीर में जब वो कहा हैया अलस सला तो बैठे नहीं रह सकते, खड़ा हो जाओ, क्यों बैठे हो? और यहीं से वो बिदती कहते हैं कि हैया अलस सला से पहले खड़े मत हो, वो गलत समझते हैं। ये जो बिदती कहते हैं कि हैया अलस सला से पहले खड़े हो गए तो टांगे तोड़ देंगे, ये जो बरेलवी है वो ये मतलब गलत समझते हैं। उस इबारत का मतलब ये था कि हैया अलस सला जब तकबीर कहने वाला कहे तो फिर बैठे मत रहो, खड़े हो ही जाओ, ये मतलब था उसका। क्योंकि अल्लाह का दाई तो कहता आओ नमाज के लिए, तुम बैठ बैठ मक्खियां मार रहे। ये फिका की इबारतों का ये मतलब है और ये मतलब दुर्र मुख्तार की शरह जो तहतावी अलग दुर्र मुख्तार है उसमें ये मतलब लिखा है, मगर उन्होंने ऊंधा मतलब समझा। वो कहते हैं हैया सलाह से पहले खड़े मत हो, खड़े मत हो ये मतलब नहीं था उसे, मतलब ये था कि हैया सलाह के बाद बैठे मत रहो, उससे पहले कोई बैठा रहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन हैया सलाह के बाद बैठा नहीं रहेगा, अल्लाह के दाई की मुखालिफत है। तो यहां भी जब बुलाया था कि नमाज के लिए आओ यानी जोहर फर्ज नमाज के लिए आओ और ये आकर के सुन्नतों की नियत बांधता है तो अल्लाह के दाई की मुखालिफत है। चुनांचे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि नहीं, अल्लाह के दाई की मुखालिफत नहीं है, अल्लाह के दाई ने जोहर के फर्जों के लिए बुलाया है लेकिन फर्जों में अभी थोड़ा टाइम है और जब बिल्कुल फर्जों का टाइम हो जाएगा तो दोबारा ऐलान होगा, तकबीर दोबारा ऐलान होगा, लिहाजा इन दो अजानों के बीच में आप सुन्नत नफले पढ़ना कोई चाहे तो पढ़े, ये अल्लाह के दाई की मुखालिफत नहीं। ये हुजूर के इस इरशाद का मतलब है कि दो अजानों के बीच में नमाज है जिसके लिए चाहे, यानी पहली अजान में जो फर्ज के लिए बुलाया गया है तो अब आदमी आकर के बैठ जाए कि नहीं नफले सुन्नत नहीं पढ़ूंगा, क्यों? अल्लाह के दाई की मुखालिफत नहीं। हुजूर ने फरमाया कि जब फर्ज शुरू होंगे तो दूसरी अजान होगी, दोबारा अनाउंसमेंट होगा, दोबारा ऐलान होगा, लिहाजा ये बीच का टाइम है, इसमें अगर कोई नफले सुन्नतों में लगना चाहे तो लगे, अल्लाह के दाई की मुखालिफत नहीं। दूसरी अजान हुई यानी तकबीर हुई, अब आप सुन्नत नफले नहीं शुरू कर सकते। हदीस शरीफ है इज़ा उक़िमति सला फला सलात इल्लल मक्तूबा, जब नमाज खड़ी कर दी गई तकबीर कह दी गई अब कोई नमाज नहीं है सिवाय फर्ज के, लिहाजा अब कोई नमाज शुरू करना जायज नहीं है। और अगर आपने पहले से शुरू कर रखी है तो जो पहला स्टेशन आया वहां सलाम फिरो, क्या जोहर की चार सुन्नतों की नियत की थी, दूसरी पढ़ रहे थे और तकबीर शुरू होगी, चार नहीं पढ़ेंगे, दो पर सलाम फिरो, पहला स्टेशन आया वहां सलाम फिरो, तो तकबीर शुरू होगी, अब दूसरी नमाज में जायज नहीं। फजर में मसला यह है कि मस्जिद से बाहर, ये कांचों से बाहर, उस तरफ मस्जिद से बाहर अगर जगह है जैसे यहां जगह वहां पढ़ो, मस्जिद के इस हॉल के अंदर जमा शुरू होने के बाद फजर की सुन्नतें पढ़ना मकरूह।
और अगर कोई मस्जिद ऐसी है कि दरवाजे से बाहर कोई जगह ही नहीं है कि जमात में शामिल हो, और ये जो सुन्नतें रह गई हैं, जब सूरज निकलकर मकरू वक्त खत्म हो उसके बाद ये जो सुन्नत है उसकी कजानी, उसका अल्टरनेटिव पढ़ लीजिए। वर्ज़ ने यह बता रहा था कि हनफिया ये कहते हैं कि इस हदीस में नमाज का मसला नहीं बताया, बल्कि ये बताया है कि पहली अजान से ये न समझना चाहिए कि अब कोई सुन्नत नफल नहीं पढ़ी जा सकती। नहीं, वो जो दूसरी तकबीर होगी उसके बाद सुन्नत नफल नहीं पढ़ी जा सकती। इन दो अजानों के दरमियान में तो कोई सुन्नत नफल पढ़ना चाहे पढ़े। इसमें दो नमाजों में सुन्नत मौकदा, फजर में और जहर में, दो अजानों के बीच में सुन्नत मौकदा है, और दो में नहीं, असर में और ईशा में सुन्नत मौकदा नहीं है, सुन्नत गैर मौकदा को पढ़ना चाहे पढ़े। मगरिब में है या नहीं? इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मगरिब में सुन्नत मौकदा भी नहीं है, गैर मौकदा भी नहीं। दूसरे इमाम कहते हैं कि नहीं, मौकदा तो नहीं है, गैर मौकदा है, इसलिए वो मगरिब से पहले दो पढ़ते हैं गैर मौकदा। इमाम साहब फरमाते हैं मौकदा भी नहीं, गैर मौकदा भी नहीं। यही इमाम मालिक अलैहि रहमा की भी राय है। दो छोटे इमाम यानी इमाम शाफी और इमाम अहमद, छोटे का मतलब ये उम्र में छोटे, वो कहते हैं मगरिब से पहले दो रकाते सुन्नत गैर मौकदा हैं। और दो बड़े इमाम कहते हैं कि मगरिब से पहले सुन्नत गैर मौकदा नहीं है। दलील, दलीलें दो हैं। याद है मैंने एक रिवायत बयान की थी, जब मेराज की सुबह हजरत जिब्रील दो दिन औकात की तालीम देने आए थे तो दोनों दिन गुरूब होते ही आए, हालांकि एक दिन मगरिब के अव्वल वक्त में आना चाहिए था, एक दिन मगरिब के आखिर वक्त में आना चाहिए था। नहीं, दोनों दिन गुरूब होते ही आए और अव्वल वक्त में मगरिब पढ़ाई। यहां से यह मसला है कि तमाम नमाजों में थोड़ी बहुत ताखिर होगी, मगरिब में कोई ताखिर नहीं, वक्त होते ही फौरन पढ़ेंगे। बल्कि हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा का एक कौल ये है जिस पर उनके यहां फतवा नहीं, कि मगरिब का टाइम कुल पांच रकात के वक्त रहे। सूरज गुरूब हो, अब तहारत करो, गुसल की जरूरत गुसल करो, वुजू की जरूरत वुजू करो, और चार तीन फर्ज और दो सुन्नतें, बस इतना पढ़ो, इतना ही मगरिब का टाइम है, अभी मगरिब का टाइम खत्म। ये हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा का ये कौल है, इस पर फतवा नहीं। उनके यहां भी जितना मगरिब का टाइम हमारे यहां रहता है, उनके अभी मगरिब का टाइम इतना ही रहता है, इसी पर फतवा है, लेकिन ये कौल ये है। बहरहाल इससे ये मालूम हुआ कि मगरिब में देर करना पसंद नहीं। अब ऐसी सूरत में अगर सुन्नतें गैर मौकदा भी रखी जाएंगी तो देर होगी, इसलिए मगरिब में सुन्नतें नहीं रखी गई, मौकदा भी नहीं है, गैर मौकदा भी नहीं। दूसरी दलील, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी की क्या सूरत थी, रिवायात में उसका कोई तज़किरा नहीं, यू भी नहीं और यू भी नहीं। हुजूर जब तक जिंदा थे मगरिब से पहले कोई नफले पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, अल्लाह जाने, हदीसों में इसका कोई तज़किरा नहीं। हुजूर की वफात हुई उसके बाद 100 साल का सहाबा का दौर है। ये जो सहाबा का दौर है, इस दौर के क्या सूरत हाल थी, इस दौर की सूरत हाल हदीसों में है कि कुछ सहाबा जब अजान शुरू होती थी मगरिब की तो किसी सुतून की को सुतरा बनाकर आड़ में रहकर दो रकातें पढ़ते थे, और जितने बड़े सहाबा थे उनमें से किसी ने मगरिब से पहले दो सुन्नतें नहीं पढ़ी। 4 खुलफाए राशिदीन, उन्होंने पूरी जिंदगी में एक दिन भी मगरिब से पहले दो नफले नहीं पढ़ी। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ये दो बातें पेश नजर रखते हैं, एक तो मगरिब में जल्दी करनी, हजरत जिब्राइल दोनों दिन एक ही वक्त में आकर मगरिब पढ़ा कर गए, और ये सुन्नतें गैर मौकदा भी होती तो ये जो बड़े साहबा हैं और उन बड़े साहब में जो खुलफाए राशिदीन कभी तो पढ़ते, उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी। लिहाजा जब बड़े साहबा का ये अमल है तो छोटे साहबा का अमल नहीं लिया जाए। इसलिए इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मगरिब से पहले न सुन्नतें मौकदा है न गैर मौकदा है, जायज है, कोई पढ़े जायज है। जैसा कि आजकल इफ्तारी हो रही है, काफी देर होती है, अगर कोई पढ़ ले जायज है, बाकी सुन्नत मौकदा भी नहीं है गैर मौकदा भी नहीं, जायज है, क्योंकि वो जो मकरू तहरीमी वक्त था वो गुरूब होते ही मकरू तहरीमी वक्त खत्म हो। अब अगर कोई दो नफले पढ़ता है और मगरिब में ताखिर नहीं होती, आजकल इफ्तार की वजह से थोड़ी ताखिर होती है, तो
तो उस इस्तादियत आखिर के टाइम में अगर कोई पढ़ता है तो जायज है, मौकदा गैर मौकदा नहीं, जायज है, क्योंकि मखरू तहरीमी वक्त खत्म हो गया। तो अब ये हदीस शरीफ, मैं तो असल मजमून ये समझा रहा था कि दो अजानों के बीच में नफल नमाजें हैं जिसके लिए चाहे। क्या मतलब? तीन अइम्मा कहते हैं मसला है, इमाम अबू हनीफा कहते हैं मसला नहीं है, ये गलत फहमी का ये इजाला है। वो गलत फहमी ये हो सकती जब अजान हो गई तो फर्ज के अलावा किसी और नमाज में नहीं लग सकते, इसका इजाला किया कि नहीं अभी लग सकते हो, क्योंकि जब नमाज शुरू होगी तो दोबारा अनाउंसमेंट होगा, दोबारा तकबीर होगी। उस गलत फहमी हो सकती थी, उसको हुजूर ने जहन साफ किया था, दो अजानों के बीच में नफलें पढ़ सकते हो, अगर के पहली अजान में बुलाया गया फर्ज के लिए है फिर भी पढ़ सकते हो। और तीन अइम्मा कहते कि मसला है कि दो अजानों के बीच में जो नमाज नफल पढ़ना चाहे पढ़े, ये मसला हुजूर ने बताया। अब तीन कहते हैं कि मसला हुजूर ने बतलाया है, इमाम अबू हनीफा कहते हैं मसला नहीं बताया, ये गलत फहमी मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, उनको दूर किया। तो ऐसा हदीसों के समझने में इख्तलाफ होता है। अब जाहिर है कि इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमान ने जो समझा है उसी पर तो वो अमल करेंगे, उनके फॉलोअर अमल करेंगे, ये जो तीन इमामों ने मसला समझा है उस पर तो वो अमल करेंगे, उनके फॉलोअर अमल करेंगे, और जो इमाम अबू हनीफा ने समझा है वही इमाम मालिक ने भी समझा है। दो बड़े इमाम यूं कहते हैं, दो छोटे इमाम यूं कहते हैं, ये तो दरमियान में इमाम साहब के सवाल का जवाब आया था। फिर मगरिब के बाद दो तो सुन्नत मौकदा है, दो सुन्नत मौकदा के बाद में और दो गैर मौकदा, चार, फिर और दो, छह, ये छह इनको भी सलातुल अवाबिन कहते हैं। अवाबिन के वही माना अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले बंदे, मस्जिद में इतनी देर ठहर करके ये छह रख नफले, ये छह नफले तो अवाबिन जो अल्लाह के रुजू होने वाले बंदे वही तो पढ़ेंगे। फिर उन छह के साथ 14 और मिला करके 20 रकात पढ़ना, ये भी सलातुल अवाबिन, ये तरतीब है। मगरिब के बाद दो तो पढ़नी है, यानी सुन्नत मौक्कदा है, पढ़नी ही का मतलब ये, इसके साथ दो और पढ़ लो, चार कर लो, वाह वाह वाह, दो गैर मौक्कदा हो, इसके साथ दो और पढ़ लें, छह कर लें, सलातुल अवाबिन, फिर इसके साथ 14 और करके 20 कर लें, ये सलातुल अवाबिन और आगे, तो ये भी सलातुल अवाबिन है, वो भी सलातुल अवाबिन। लोगों में ये मशहूर हो गई सलातुल अवाबिन, और रिवायात में वो इशराक और चाश्त को सलातुल अवाबिन कहा गया है, और लोगों में इसकी शोहरत हो गई, वरना हकीकत में ये भी सलातुल अवाबिन है, वो भी सलातुल अवाबिन है। जो अवाबिन बंदे हैं वही ये नमाज भी पढ़ेंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे। फिर ईशा का वक्त है, ईशा पढ़ो, ईशा के बाद सो जाओ, फिर रात के पिछले हिस्से में, कौन से हिस्से में, रात को छह हिस्सों में तकसीम करो, नहीं अस्तग़फ़िरुल्लाह, वो तो मैं शहरी की बात आ गई, शहरी को टाइम समझो, रात को छह हिस्सों में तकसीम करो, रात को यानी ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक, इसको छह हिस्सों में तकसीम करो, जो आखिरी छठा है ये सहरी का वक्त, रात को 12 बजे खाकर सो गए सहरी की नीयत से, यूं सहरी नहीं होती। सहरी वो चंद लुकमे या पानी या चाय है जो रात के पिछले छठे हिस्से में उठकर आप खाएं, ये सहरी। और तहज्जुद का टाइम, तहज्जुद के लिए लफ्ज तहज्जुद के माने हैं सोना, सो गया और फिर उठ, तरकुल हुजूद, हुजूद के माने हैं नौम, नींद, तो तहज्जुद के माने तरकुल हुजूद, नींद छोड़ना, यानी सो पहले फिर उठो। रमजान में अगर कोई पूरी रात न सोए तो अभी जब तहज्जुद का वक्त हो जाएगा तहज्जुद कहलाएगी, वरना असल लफ्ज तहज्जुद के माने सो जाए और फिर उठकर पढ़े। कब पढ़े? उसका टाइम शुरू होता आधी रात से, आधी रात वही गुरुब से सुबह सादिक तक, इसका आधी रात वहां से टाइम शुरू होता है, और अफजल टाइम शुरू होता है जब दो तिहाई रात गुजर जाए और आखिरी तिहाई शुरू हो, अब वहां से तहज्जुद का वक्त शुरू। हदीस शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात आधी गुजर जाती और आधी रह जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला समाए दुनिया पर नुजूल इजलाल फरमाते हैं और पूछते हैं, है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ मैं कबूल करूं, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं दू, यही सदा लगाते रहते हैं सुबह तक। एक हदीस तो ये है जब आधी रात गुजर जाती है,
और दूसरी हदीस ये है कि जब रात का दो तिहाई गुजर जाता है और आखिरी तिहाई शुरू से आखिर बाकी रहता है, तब अल्लाह ताला समाए दुनिया पर उतरते हैं और अल्लाह ताला की तजल्लियात बंदों की तरफ मुतवज्जे होती हैं और ये सदा लगाई जाती है, कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला है, कोई मांगने वाला, और सुबह तक ये सदा होती रहती है। ये हदीस और दोनों हदीस आला दर्जे की सही है, कमजोरी किसी में कुछ नहीं, वो आधी रात वाली भी सही है और तिहाई रात वाली भी सही है। लिहाजा फैसला ये है कि आधी रात से तहज्जुद का वक्त शुरू होगी और जो असल मुस्तहब वक्त है तहज्जुद का, जब दो तिहाई रात गुजर जाए और आखिरी तिहाई शुरू, उस वक्त उठना है, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानियां और अल्लाह की इनायतें और तवज्जुहात बंदों की तरफ मुतवज्जे हैं। अब बंदा पड़ा पड़ा खर्राटे ले रहा है, ये बंदों के साया निशान नहीं है, उस वक्त उठना है और नमाज पढ़ना। तो मैं एक असल मजमून यहाँ से मैं लेकर चला था कि तत्जाफा जुनूबहुम अनिल मवाजी यदउन रब्बहुम खौफं व तमअन, इसका मिसदाक तहज्जुद की नमाज। और ये बदनी इबादत है। और बात अभी कुछ नहीं बड़ी, बात वहीं से चली थी कि अल्लाह ने दो नेमतें दी है, बदन और माल, और दोनों से मुताल्लिक इबादतें रखी हैं। ये मजमून अभी शुरू हुआ, फिर आगे बढ़ाएंगे कल। वाखिरु दावाना अल हम्द।